नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। में हूं आपके साथ अंशु गोस्वामी। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर देश के हर क्षेत्र में सभी प्रत्याशी अपनी जीत को लेकर जनादेश पाने के लिए जनसंपर्क कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ केबीसी न्यूज की टीम हर लोकसभा क्षेत्र में जनता का मूड जानने के लिए भ्रमण कर रही है। इसी क्रम में केबीसी अपना कार्यक्रम हाजीपुर बोल रहा है को लेकर आज केबीसी की टीम ने जब हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में पब्लिक का मूड जाना तो एक नया खुलासा सामने आया। बता दें कि हाजीपुर एक ऐसे सांसद का क्षेत्र रहा है जिन्होंने पूर्व में भरपूर जनादेश लगातार पाया है। हम बात कर रहे हैं रामविलास पासवान की, जिन्होंने विरासत में हाजीपुर का सीट छोड़ गए। आज उसी सीट पर उनके बेटे 2024 का एनडीए गठबंधन में एलजेपी रामविलास से चुनाव लड़ रहे हैं और वो है जमुई के सांसद चिराग पासवान। और दूसरी तरफ है आरजेडी के कर्मठ विधायक शिवचंद्र राम, जिनकी अपनी एक छवि रही है। इस बार चिराग पासवान को जबरदस्त शिकस्त देने में दिन रात लोगों के बीच वो बने हुए हैं। अब देखना होगा कि 20 मई के मतदान में लोगों का कौन कितना किनको जनमत मिलता है। आइए जानते हैं लोगों की क्या राय है। देखिए अमलेश आनंद की ये रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। मैं हूं अमलेश आनंद। मैं आज मौजूद हूं हाजीपुर के गांधी चौक पे। जैसा कि आप सबको पता है कि केबीसी न्यूज का एक खास कार्यक्रम है हाजीपुर बोल रहा है। इसके तहत हम लोगों का ओपिनियन जानने की कोशिश करते हैं लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के, और हम ये जानने की कोशिश करेंगे अभी कि किसका पलड़ा यहाँ भारी है, क्या कहता है यहाँ की आम पब्लिक। आइए जानते हैं। करते हैं मनोज जी? टेम्पू चलाते हैं। टेम्पू चलाते हैं। कोई राजनीतिक दल से कोई संबंध? कोई संबंध नहीं। क्या कहना चाहेंगे इस बार जो हाजीपुर लोकसभा में है चुनाव, इसमें शिवचंद्र राम वर्सेज चिराग पासवान है, तो क्या लगता है आपको कि किनकी जीत होगी? टक्कर दोनों का, इसमें कौन जीत है और कौन हार है अभी इसका कोई निर्णय नहीं है। लेकिन टक्कर दोनों, टक्कर दोनों आदमी का है। अच्छा, 2020 में नीतीश कुमार ने चिराग पासवान को पार्टी से बड़ा अदबल करके बहुत झटका दिया था, आपको क्या लगता है इस बार चिराग पासवान झटका देंगे नीतीश को? अब झटका देवे या ना देवे उससे हमको तो कोई लेना देना नहीं, हमको तो एक वोट के कहीं मालिक है। हम एक वोट के कहीं मालिक है, वो उसका अधिकार है, एक वोट देंगे। सिंगल घर में वो अकेला है, एक वोट का मालिक है। बाकी अब हार जीत किसका है वो मैं नहीं अभी बता सकते हैं। पलड़ा किसका भारी है? ये पलड़ा दोनों का है अभी भारी। पलड़ा दोनों का भारी है। शिवचंद्र भी राम भी उतने ही उतना ही है, पामर में है और वो भी उतने पामर में है। मतलब जो कोई अगर चाह रहा है कि 5 लाख से या 10 लाख तक जीतेंगे वो असंभव है। क्यों, क्या 50+ में कोनों का हार जीत होगा? मतलब जनाधार शिवचंद्र राम का भी अच्छा है, अच्छा वोट है। अपना नाम बताइए। देवेंद्र है। क्या करते हैं देवेंद्र जी? स्टेन में काम करते हैं। स्टेन की रानी है। अच्छा, इसमें हम ये जानना चाहेंगे कि अभी आपके यहाँ जो हाजीपुर लोकसभा चुनाव 20 तारीख को मतदान होगा, इसमें आपको पलड़ा किसका भारी लग रहा है? शिवचंद्र राम। शिवचंद्र राम जी, ऐसा क्यों कह रहे हैं? शिवचंद्र राम गरीब का बेटा है, जिला का बेटा है। अच्छा, उनके बारे में कुछ बताइए जिस तरह से उन्होंने काम किया हो इससे पहले। काम बिहार सरकार में मंत्री बने तो कुछ न कुछ काम किए, करवे किए, माने कि बेचारा हारल भी है तो ये माने कि गरीब के माने सुख दुख में आते हैं, एक दो घंटा बैठते हैं। मतलब जनाधार शिवचंद्र राम का अच्छा है जी। लेकिन लोग कह रहे हैं कि चिराग पासवान जो है नया चेहरा है, युवा है, उनको एक बार मौका दिया। नहीं नहीं, उनको उनका बाबूजी को भी दिया गया, उनका चाचा को भी दिया गया, अब उन्हीं को मिलेगा तो कैसे होगा? कथी विकास किए हम लोग और युवा हैं, चाहेंगे तेजस्वी यादव के हाथ के आगे बधा। आपका नाम क्या है? हमारा नाम है भरत शाह। भरत शाह जी, आप यहीं के रहने वाले हैं? हम यहाँ आइए सर, काम करवावे गाड़ी के। नहीं नहीं, लोकसभा क्षेत्र आपका हाजीपुर है ना? हाँ, हाँ। परसों जो चुनाव देने जाइएगा वोट डालने के लिए, उसमें आपका मेन मुद्दा किस क्या रहेगा? विकास, बेरोजगारी, क्या रहेगा? हमारे नेता हल्ला है ज्यादा लालुए के। आप क्या कहना चाहेंगे इस बार जो चुनाव है, किसका टक्कर चल रहा है दोनों में? दोनों में वही आरजेडी है, वो एनडीए है। वो तो परचौस किसका लग रहा है? हमें तो लग रहा है कि शिवचंद्र राम यहाँ का सांसद बनेगा कि चिराग पासवान? शिवचंद्र राम। शिवचंद्र राम,
क्यों शिवचंदर राम क्यों कह रहे हैं? अरे ये लोग पलटू राम इधर से उधर इधर से उधर, कभी आरजेडी इधर उधर हुआ है? कभी नहीं। जनरल स्टोर है? जनरल स्टोर है, हाजीपुर में ही रहते हैं। कोई राजनीतिक पार्टी से भी जुड़े हैं? नहीं। एक चीज जानना चाह रहे हैं, 2020 में चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को बहुत बड़ा एक झटका दिया था, आपको लगता है कि इस बार नीतीश कुमार चिराग पासवान से बदला लेंगे? बिल्कुल लेंगे। लेंगे? पक्का? पक्का लेंगे। इस बार क्या लग रहा है कि आपको हाजीपुर में किसका दबदबा चल? दोनों का है। दोनों का है? पलड़ा दोनों का भारी है? जी बिल्कुल। कोई तो 19-20 होगा? नहीं, दोनों का है पलड़ा भारी इस बार। अच्छा, आपको अगर कहेगा कि यहाँ सांसद चुनने के लिए तो एक मत तो आप देते हैं? बिल्कुल। आप किसको देना पसंद करेंगे सांसद, किसको चुनना? शिवचंदर राम को। किसको? शिवचंदर राम। शिवचंदर राम को? ऐसा क्यों कह रहे हैं शिवचंदर? ऐसा उसको भी मौका मिलना चाहिए। अच्छा, लेकिन लोग कह रहे हैं कि चिराग पासवान के पिताजी यहाँ बहुत सारा काम किए। लेकिन युवा है, पिताजी ना काम किए, ये लोग कुछ किए। अभी अगले बार देख लीजिए, उन 40 सीट गया है सांसद बन के बिहार से, बिहार के लिए कुछ किए हैं। हाजीपुर आप जाके घूम लीजिए, सड़क देख लीजिए, नाला देख लीजिए, कुछ किए हैं तो बताइए। मतलब इस बार आप लोग यहाँ लालटेन जलाएंगे? बिल्कुल। चिराग को बुझा देंगे? बुझेगा। पक्का? पक्का बुझेगा। आपका नाम क्या है? पलटू सिंह। पलटू सिंह। मंटू सिंह। पलटू सिंह। इस बार आप जो चुनाव में जाएंगे वोट डालने के लिए, जी जी, उसमें क्या मुद्दा लेकर के अपना कैंडिडेट चुनेंगे? मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा तो विकास हो ही रहा है, विकास तो हो ही रहा है। महंगाई? महंगाई मिला जुला के सही है। सही है? सही है। बेरोजगारी? वो भी सही है। पलायन? सब सही है। सही है जी। तो आपका सांसद इस बार कैसा होना चाहिए? हाजीपुर का नया युवा होना चाहिए। नया युवा होना चाहिए जी। तो युवा में तो एक आपको चिराग पासवान दिख रहा है जी, और दूसरा है शिवचंदर राम जो कि आपको बहुत पुराने रह चुके हैं जी जी, आरजेडी के तरफ से जी। तो आपको क्या लगता है दोनों में पलड़ा किसका भारी है? पलड़ा तो दोनों का भारी है सर, बराबर है, लेकिन हम लोग है चिराग पासवान। चिराग पासवान जी। बहुत लोग ऐसा कहता है कि शिवचंदर राम एक अच्छे व्यक्तित्व है, विकास उन्होंने बहुत अच्छा किया है। किए है तो सबको चांस ना मिलना चाहिए? चांस मिलना चाहिए जी जी। मतलब आप बदलाव चाह रहे हैं? जी जी। बढ़िया। आपका क्या नाम है? हम ना बोल ना बोल, आप बोलिए बाबा। हमारा अवधेश सिंह नाम हुआ सर। अवधेश जी जी। क्या करते हैं? हम ऑटो चलाते हैं। ऑटो चलाते हैं? कोई राजनीतिक पार्टियों में है? नहीं नहीं है, नहीं है। अभी ये बताइए कि 2020 में चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को बहुत बड़ा गच्चा दिया था। हाँ, सही बात है, याद है आपको? होगा, पुराने लोग। नीतीश कुमार के साइड होकर कोई बात कीजिएगा तो बात करेंगे। इस बार नीतीश कुमार आपको लगता है कि चिराग पासवान को भी कुछ गच्चा देने वाले, उसका बदला लेंगे? नहीं देंगे, लेकिन बीजेपी वाला उनको गच्चा दे देगा चिराग पासवान? हाँ, नहीं नहीं, नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार को? अच्छा, बीजेपी वाला, कारण कि उधर का मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री का गरिमा के नाम पर कलंक है। अच्छा, बराबर इधर बराबर उधर, मतलब पलटते रहते? हाँ, पलटते रहते, इनका कोई बेसे नहीं है। अभी जो भी वोट होने जा रहा है ओनली फॉर मोदी के चेहरा है, उसमें नीतीश कुमार जीरो है। मोदी के चेहरा पे इस बार वोटिंग? हाँ, वोटिंग होने जा रहा है। आपको लगता है कि आपको एनडीए से चिराग पासवान है यहाँ आपके लोकसभा से? हाँ बोलिए। हाजीपुर से? हाँ बोलिए। और एक शिवचंदर राम जी है आरजेडी से? हाँ। दोनों में आपको क्या लगता है कि किनको मिलना चाहिए सांसद का? देखिए सर, हम लोग को तो दे रहे हैं चिराग पासवान को। तो देखिए, हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र का ये एक हॉट एरिया है, ये गांधी चौक है, और यहाँ जो युवा का या आम पब्लिक का जो व्यू है, उनका कहना है कि इस बार कुछ भी हो जाए चिराग बुझेगा और लालटेन जलेगा। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि जब 4 जून को ईवीएम का पिटारा खुलेगा तो उसमें किसके भाग्य का क्या फैसला निकलता है, वो देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, अब ये देखना रोचक होगा कि हाजीपुर में चिराग के तेज से लालटेन की रोशनी भारी पड़ेगी या बुझेगी, किसको कितना जनादेश जनता देकर किसके सर सांसद का ताज सजाएगा। देखते रहिए केबीसी न्यूज, एक कदम आगे।